हम अक्सर देखते हैं हमारे घरों में जो छत वाले पंखे लगे होते हैं चलते चलते स्लो हो जाते हैं और हम उनका कैपेसिटर भी बदल देते हैं, वो फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों को आज जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप देख रहे हो ओम जी टेक्निकल लाइन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे पास एक ओरिएंट कंपनी का पंखा है। ये पंखा ठीक है दोस्तों, पर ये कारण क्या है, इस पंखे को मैंने दोबारा रिपेयर किया है। रीज़न क्या था भी, इस पंखे में सेल बड़ा लग गया था। अक्सर क्या करते हैं घरों में लोग, कैपेसिटर अगर चेंज करना है या अगर कोई मिस्त्री है वो भी चेंज करता है तो वो हम बोल देते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, छोटे छोटे कैपेसिटर के साइज को बड़े से कैपेसिटर वाला साइज का लगा देता है। जैसे ये एक कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर 2 MFD का, दोस्तों देख लीजिए 2 MFD का है। ये ओरिएंट कंपनी का पंखा है 2 MFD। अभी इसके जगह पे 2 MFD की जगह पे अगर हम ये 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे, अगर आप देख सकते हो तो ये 2.5 MFD का कैपेसिटर है दोस्तों, अगर सही से दिख रहा है तो 2.50, या मिस्त्री क्या करता है 3.15 MFD का कैपेसिटर लगाता है। जिससे क्या है, इसको इस पंखे को जरूर से ज़्यादा करंट मिलने लग जाता है, जिसके कारण इसकी मोटर भी जल सकती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसको वाइंडिंग कराओगे तो इसका खर्चा ज़्यादा आएगा दोस्तों। सो आपने खुद ही मार्केट में जाना है, ये जो पुराना कैपेसिटर है इसको मार्केट में लेके जाएं और नया खरीद लें। अब बोलोगे कि अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया तो कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे आसान बात है कैपेसिटर इसमें एक कॉमन होते, कॉमन में कैपेसिटर की तार नहीं लगी होती है, नीचे और ऊपर लगी होती है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, खोलने से पहले इसका एक फ़ोटो ले लीजिए मोबाइल से। मोबाइल से फ़ोटो लेने के बाद इसके कनेक्शन को आप ओपन करोगे, ठीक है ना, ओपन करोगे और इसको ले जाके मार्केट में बोलोगे कि भैया मेरे को ये साइज का कैपेसिटर चाहिए ये नंबर का, तो आपको मार्केट में इस नंबर का कैपेसिटर मिल जाएगा। अगर आप दुकान पे जाते हो, भैया मेरे को पंखे में लगे होना कैपेसिटर दे, वो कैपेसिटर अपनी मर्जी से दे देता है, जो आप देखते नहीं हो, घर पे आप पे लगा देते हैं। एक बार तो स्पीड बढ़ जाती है पर कुछ दिनों के बाद देखोगे कि आपका पंखा जल जाएगा या कोई कमी आ जाएगी उसमें। सो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी पर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। आपने अगर कनेक्शन भी करना है कैपेसिटर का तो इसकी एक एक तार को खोलते जाओ, एक एक नए कैपेसिटर की तार वहीं पे लगाते जाओ, आप आसानी से कर लोगे, मेरा ये दावा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक बार फिर बोलूँगा कि दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।